अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं घास का हलवा। जी हाँ, ये हलवा हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सच में ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, ख़ास करके गर्मियों के मौसम में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, दिलो दिमाग को ठंडा कर देता है। तो इसे आज हम थोड़े ट्विस्ट तरीके से तैयार करेंगे, तो चलिए बनाते हैं टेस्टी टेस्टी ठंडा ठंडा घास का हलवा। चाइना ग्रास बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप दूध और उसके साथ ही 3 बड़े चमचे शक्कर यानी चीनी। शक्कर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। और साथ में मैंने लिया है 1 पैकेट चाइना ग्रास। ये 1 पैकेट चाइना ग्रास में जो है 10 ग्राम चाइना ग्रास आती है, तो ये मैंने 1 पैकेट लिया है। और हमें जो है इसकी 2 लेयर तैयार करनी है, एक सफ़ेद और एक लाल। तो ये देखिए, इसलिए मैं इस चाइना ग्रास के को 2 हिस्सों में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। एक हम इसकी सफ़ेद तय तैयार करेंगे और एक जो है लाल, खाने में भी टेस्टी और देखने में भी लाजवाब। और साथ में मैंने लिया है 1/4 कप रूह अफ़ज़ा। आप रोज़ सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब सबसे पहले स्टेप्स में यहाँ पर मैंने रख दिया पैन गरम करने, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालकर जो है आधा हिस्सा हम डाल देंगे इसमें चाइना ग्रास का। मैंने ये 1/2 पैकेट डाला है और इसे बिल्कुल अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे। और इसे मीडियम फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लेंगे, जब तक ये चाइना ग्रास बिल्कुल अच्छे से हमारी जो है पानी में मेल्ट ना हो जाए। तो ये देखिए, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसे कुछ देर इसे पका लूँगी। ये देखिए, बहुत जल्दी ये मिक्स हो जाती है। चाइना ग्रास या अगर इसे भी कहते हैं, अगर आपके पास पाउडर शक्ल में हो तो आप 1 टेबल स्पून इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, या इसकी जगह जिलेटिन भी, वेज जिलेटिन भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर चाइना ग्रास इस्तेमाल किया है, ये बड़ी आसानी से हर जगह अवेलेबल होती है। तो ये देखिए, ये चाइना ग्रास बिल्कुल अच्छे से पानी में हमारे मिक्स हो चुकी है। देखिए, तकरीबन 3 मिनट लगे होंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर मिला रही हूँ 1/4 कप रूह अफ़ज़ा। आप चाहें तो रोज़ सिरप मिला लें, या आपकी पसंद का कोई भी सिरप आप इसमें मिला सकते हो। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से रूह अफ़ज़ा जो है चाइना ग्रास में मिक्स हो चुका। या आप जो है इसके अंदर रेड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब इस मिक्सचर को हम मोल में डाल देंगे। आप चाहें तो छोटी छोटी प्यालियों में भी इसको सेट कर सकते हो। ये देखिए, मैंने पूरा रूह अफ़ज़ा का मिक्सचर डाल दिया। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ सेट होने के लिए। सेकेंड स्टेप्स करने के लिए ये मैंने लिया है पैन, और पैन में मैंने डाली 1 कप पानी। इस बार मैंने पानी कम डाली हूँ, सिर्फ 1 कप पानी डाली हूँ मैंने, और बची हुई चाइना ग्रास पूरी डाल दिया मैंने। और इसे भी बिल्कुल पहले स्टेप्स की तरह ही हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक ये चाइना ग्रास पानी में बिल्कुल अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। हमें इसे अच्छे से कुक कर लेना है। चाइना ग्रास में बॉयल आ चुका है, ये देखिए। इसे इसी तरह हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे। ये देखिए, चाइना ग्रास बिल्कुल अच्छे से पानी में मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए, अब इसके अंदर हमें मिलानी है शुगर यानी चीनी। तो इसमें मैं मिला रही हूँ 3 बड़े चमचे चीनी। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। शक्कर और चाइना ग्रास को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने दूध इसमें नहीं मिलाया है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये तमाम चीज़ें मिक्स हो गई। ये देखिए, अब इस बॉइलिंग पॉइंट पे हम दूध नहीं मिलाएंगे, इस बात को आप याद रखें। पहले हम फ्लेम को स्लो कर देंगे, और जब फ्लेम बिल्कुल स्लो हो जाएगी, ये चाइना ग्रास के बबल्स बिल्कुल सेट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तब हम दूध मिलाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि ये दूध फट जाए। अक्सर कमेंट्स आते हैं कि उनका दूध जो है ये फट जाता है। तो आप पहले फ्लेम को स्लो कर लें और फिर दूध मिलाएं, और दूध मिलाने के बाद इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें बॉयल आने ना दें। अब देखिए, मैं इसे बिल्कुल बॉयल नहीं करूँगी। आपको भी इस बात को याद रखना है, बॉयल होने के बाद अक्सर चाइना ग्रास का मिक्सचर फट जाता है। तो बस इसे स्लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए,
ये बिल्कुल अच्छे से चाइना ग्रास हमारी मिक्स हो चुकी है। अब ये रहा हमारा सेट, देखिए बिल्कुल अच्छे से ये रूह अफ़ज़ा की पहली लेयर हमारी सेट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम दूध का मिक्सचर डालेंगे। इससे पहले मैं देखिए ये क्या कर रही हूँ, इसे हम थोड़ा सा स्क्रम्बल कर देंगे, क्योंकि अक्सर जब हम इस पर सेकेंड लेयर लगाते हैं तो वो जो है निकालने के बाद स्लिप हो जाती है, सेट नहीं होती एक दूसरे पे, तो इस तरह के सुराख कर दिए मैंने। अब इसके ऊपर हम दूध का मिक्सचर डालेंगे तो दोनों लेयर आपस में बिल्कुल अच्छे से चिपकी हुई रहेगी। ये मैंने मिक्सचर डाल दिया, अब इसे हम सेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। फ्रिज में मैंने इसे 2 घंटे के लिए रख दिया था, बिल्कुल परफेक्टली ये सेट हो चुका है घास का हलवा। अब इसे हम डीमोल्ड करेंगे, तो पहले इसके थोड़े साइड को लूज कर लेंगे, ये देखिए, और अब इसे हम जो है डीमोल्ड कर देंगे। तो लीजिए तैयार है घास का हलवा। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान था, और ये देखिए कितना अच्छा ये सेट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब तैयार है हमारा घास का हलवा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें, अपना और अपने फैमिली का खूब ध्यान रखें, और साथ में हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।